वो फाइंड आउट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइपोथेटिकल एटम। तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाता है बेटा कि फोर्स बिटवीन, आपको कूलॉम्स लॉ की जगह किसी और फोर्स का एक्सप्रेशन दे देगा आपको, ठीक है। तो जनरली वो क्या करता है, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर दे देता है, जरा सा फैंसी बनाने के लिए प्रॉब्लम को, ठीक है। वो बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर, इस तरह से दे रहा है वो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन इस तरह का है, ठीक है। एंड अज्यूम दैट एटम फॉलोज बोर मॉडल, देन फाइंड आउट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट, ठीक है। आपको ये दे देता है, इज गिवेन एंड अज्यूम दैट एटम फॉलोज बोर मॉडल, बोर मॉडल, ठीक है। या पेन है नहीं मेरे पास, लास्ट पेन है बस, इसके बाद पता नहीं मंगा ही नहीं रहा। देन फाइंड आउट बोर मॉडल, देन फाइंड आउट रेडियस एंड वेलोसिटी, देन फाइंड आउट रेडियस एंड वेलोसिटी। हाँ आदित्य नामा सही जगह पहुंचे हैं आप, बिल्कुल बेटा। तो जो रेडियल आपका फोर्स होगा, इसमें क्या निकलेगा, आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें दो चीजें लगाएंगे तो खत्म हो गया। देन फाइंड आउट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनथ ऑर्बिट के लिए रेडियस और ये सब निकालो। तो इन सबका क्या फंडा है, दो प्रिंसिपल लगाएंगे आप इसमें। पहला आप लगाएंगे कि एफ कितना होगा, आप माइनस डी यू बाई डी आर से निकाल लें, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो फोर्स ऐसे निकालेंगे। तो एक इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, वही एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ऐसे सारी प्रॉब्लम्स में आपकी, ठीक है ना। जरूर करेंगे ऐसी प्रॉब्लम, कभी नहीं छोड़ेंगे, काफी सिंपल होगी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन आपकी कहाँ से बनेगी, एंगुलर मोमेंटम से, कि बोर मॉडल को फॉलो कर रहा है तो सेकेंड पोस्टुलेट लगाई दोनों बोर मॉडल की है, बस फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। बोर ने कूलॉम्ब फोर्स बताया था, इसने हाइपोथेटिकल एटम लेके कुछ यू एज ए फंक्शन ऑफ आर दे दिया। तो आप पहली कंसेप्ट, पहली इक्वेशन लगाइए, दूसरा आप उसमें बोर मॉडल लगाइए, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, देखिए। अज्यूम ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम, तो क्वेश्चन क्या है आपका, अज्यूम ए हाइपोथेटिकल एटम इन विच द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेपरेशन आर इज गिवन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इन हाइपोथेटिकल एटम, पोटेंशियल एनर्जी इन हाइपोथेटिकल एटम बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एट सेपरेशन स्मॉल आर, एट सेपरेशन स्मॉल आर इज गिवन बाई, एट सेपरेशन स्मॉल आर इज गिवन बाई, क्या है आपका, यू इक्वल टू के एल एन आर माइनस, क्या लिखा हुआ है यार, के बाई टू, के एल एन आर माइनस के बाई टू लिखा हुआ है, कांस्टेंट है कि इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी बीच की वैरी कर रही है। फाइंड आउट स्पीड फॉर सच ए हाइपोथेटिकल एटम, फाइंड आउट रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ द एटम, फाइंड आउट, पहला है आर एन निकालना है आपको, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट, दो चीजें निकालनी है। और लिखा हुआ है अज्यूम बोर्स मॉडल टू बी फॉलोड, क्या लिखा हुआ है नीचे, अज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू बी फॉलोड, कि बोर का मॉडल फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो बोर मॉडल फॉलो करते हुए बताओ इसमें कितना होगा, यू इक्वल टू के एल एन आर माइनस के बाई टू, तो आयनित ऑर्बिट में रेडियस और एनर्जी कितनी होगी, तो निकाल देंगे, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, बताइए देखिए क्या आएगा। एक बार मैं लिख रहा हूँ दोबारा से एक्सप्रेशन, लिख रहा हूँ
पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है के एल एन आर माइनस के बाई टू, के एल एन आर माइनस के बाई टू पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या करोगे, इसका डी यू बाई डी आर निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, के बाई आर आ जाएगा। तो nth ऑर्बिट में क्या होगा, के बाई आर एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन करेंगे। तो देखो स्पीड कांस्टेंट ही आ गई इसमें, स्पीड कांस्टेंट ही आ जाएगी, अंडर रूट के बाई एम, उसका इंडिपेंडेंट आ गई, स्पीड कट गया ना nth ऑर्बिट। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, फॉर आर एन रेडियस के लिए आप अब उसमें बोर्स की वो पोस्टरेट लगाइए कि किसी भी जगह एम वी एन आर एन इक्वस टू किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पुट कर दीजिए आप इसकी, तो ये आ जाएगा एम रूट के बाई एम आर एन इक्वस टू एन एच अपॉन टू पाई। ये आ गया एनथ ऑर्बिट में रेडियस आ गई एन एच अपॉन टू पाई अंडर रूट एम के। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये रहा के एल एन आर माइनस के बाई टू दे रखा है। तो आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए जो एनथ ऑर्बिट में रेडियस आई है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के एल एन एन एच अपॉन टू पाई अंडर रूट एम के माइनस के बाई टू। वी स्क्वायर पुट करोगे तो के बाई टू आ जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर पुट करोगे, आपके पास यही बच जाएगा के एल एन एन एच अपॉन टू पाई अंडर रूट एम के। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये रेडियस इन एन एथ ऑर्बिट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप F इक्वल टू डी यू बाई डी आर और वो पोस्टुलेट एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई मेंटेन रखेंगे। तो